आज आपर बीडब्ल्यूएस डे वन एक्जाम संबोधक सिफ्ट सरी सारी आशा करती जो मैंने एक्जाम देते जितकी ट्राई करते निजर बेस्ट दवाई और समस्त निजर जितकी टारगेट करते तो अचीव कर सारी बिकज क्वेश्चन लेवल एत भी हार्ड ना समस्त सफिसीयंट अटेम्प करते हाँ मानुचे सिलेबस जहाँ मेनसन था से रिलेटेड नर्माली आप बनी पेपर बट पेपर इजी था क्वेश्चन आप इजी आसी तो समस्त सफिसीयंट अटेम्प करके आसपार तो डे वन डिटेल्स एनालिसिस करने चेस्ट करेंगे दया वीडियो को एंड पर्यटन देखिए गोटे माइंड टेंशन जो मैंने ओडब्ल्यूएस सीजीएल एग्जाम फ्यूचर में दबापाई तुम माइंड तो चलते सर सिलेबस सर जहाँ मेंशन होती किसी डिफरेंट पेपर बनते तो आमको कौन पढ़ाई पड़ो देखो या विषय में आगे कही बट आगे स्टार्टिंग मेंशन कर दूसरी आपको सब पढ़ाई पड़े जमीक सिलेबस समस्त देखी थे आर्थमेटिक लिखाई बट क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और परमुटेशन कम्बिनेशन भी बनुची आगे यार क्या कहूँ जो मैं भाई लिखाई सर करंट अफेयर पूरा मेंशन थी आप करंट अफेयर पूरा आसो बट पेपर देखा बेलो आपको देखते स्टैटिक जी बहुत गुड़े क्वेश्चन उठी तो से कंप्लीटली पढ़ाई पड़ो रिक्स तो नहीं पारे ना बिकज क्लीयर कट आम पाखे सिलेबस ना ओके जब क्लीयर कट आम पाखे सिलेबस था तो डेफिनेटली आम पॉजिटिव इंपैक्ट सहित पढ़ी पारे जब सिलेबस मेंशन करते आटलिस्ट तो पकाया कथा ना से पढ़ुचे सहित एक्स्ट्रा बीआर क्वेश्चन पढ़ी ओके ठीक अच्छे से विषय डिस्कसन करेंगे आगे बीडब्ल्यूएस आज पेपर में कौन कौन आसा से विषय में कहीदे जो नेक्स्ट आप फर्दर जो आप एक्जाम अटेंड करेंगे जी नेक्स्ट शिफ्ट तो हेल्प हो पाए फास्ट क्या होती है आर्थमेटिक आउ डीआई मिसिकी आप 25 मार्क आसा रिजनिंग भी आप 25 मार्क बनुच्छे आउ करंट अफेयर भी 25 मार्क बनुच्छे और कंप्यूटर भी 25 मार्क बनुच्छे तो चारिटा सेक्शन आप 25 मार्क इक्वाली डिस्ट्रब्यूट होती और सबुतक शिफ्ट भी इक्वाली डिस्ट्रब्यूट नर्माली आप आगे जी बुझाई चेस्टा करेंगे नर्माल आप एक्जाम सिलेबस एटा था बट सिलेबस आप क्वेश्चन पेपर भितर बहुत डिफरेन्सर बनी है बट एति कथा हाँ क्वेश्चन पेपर इजी आसला बोली पिला किसी प्रोब्लेम फेस करने पड़ाना आप फ्यूचर जो मैंने ओडब्ल्यूएस सीजीएल एक्जाम दिए माइंड में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन एक्जाम पेपर कौन आसो ये लिखाई करेंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंट ठीक अच्छे आम आपको पढ़ी पड़ा बट ये स्टार्टिंग जीके बहुत गुड़े आप कौन हो आड अन होके जमीक आर्थमेटिक बहुत गुड़े जिनस आड होती नॉर्मल आसिया कथ नुह जमी लिखाई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स लिखाई आम सीना आगू पढ़ी बोली मैंने एक्जाम किसी प्रोब्लेम है जब पढ़ी ना तो डेफिनेट आम प्रोब्लेम फेस करने पड़ता है आगू आप जो मैंने एस एक्जाम देते कि अलरेडी सीजीएल एक्जाम देते तो जाना जमी आप जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग जो एनालिटिकल एबिलिटी ये नॉर्मल माइंड में ना जो नंबर वाले क्वेश्चन आसो बट एक्जाम बनीगला ठीक अच्छे आम डिस्कसन करवा पेपर में कौन कौन बोलते मुझे सबुतक जिनको कर दे नर्माली आप सबुतक एक्जाम जिते आगे सिफ्ट होती सबुतक मिक्स करके क्वेश्चन बनुच्छे से कहीदे डीआई बनुच्छे टेबुल आउ बार डीआई आसी था फास्ट सिफ्ट सेकंड सिफ्ट क्या मोर टोटाल इनफर्मेशन अच्छी तपर मन कि प्रॉफिट एंड लॉस रो केते नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन करनी केते के पिला कहते गोटे के दुटा कहते से मानिक चलते प्रॉफिट एंड लॉस रो क्वेश्चन बनुच्छे एसआईसीए रु इजी क्वेश्चन बनुच्छे और प्रॉफिट एंड लॉस रु भी इजी क्वेश्चन बनुच्छे टिपिकल क्वेश्चन बनी ओके नंबर सिस्टम रु बहुत गुड़े क्वेश्चन उठे आइडेंटिटी माने आप फॉर्मूला को लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एमती ए बी को लेकिन फॉर्मूला सीट क्रिएट करके क्वेश्चन क्रिएट करा सिंप्लीफिकेशन आसुच्छे डेसिमल रु भी क्वेश्चन आसे मन रखे एससीएफ एलसीएम रु भी क्वेश्चन आसुच्छे रेशियो भी नॉर्मल रेशियो एंड प्रोपोर्शन रु नॉर्मल क्वेश्चन आसी आप सैलरी को लेकिन आज क्वेश्चन आसाला पाइप एंड क्वेश्चन क्वेश्चन बनुच्छे टाइम एंड वर्क भी क्वेश्चन बनुच्छे मन के मेन्सुरेशन रु क्वेश्चन आसाला ट्रायंगल रु क्वेश्चन आसाला सेकंड शिफ्ट आई थिंक आप सर्कल क्वेश्चन था बट इजी था फॉर्मूला डायरेक्टली हमें सॉर्ट आउट कर पड़ते ओके ये ट्रायंगल में नॉर्मली एरिया को लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड था ओके स्टैटिस्टिक रु दया मीन मीडियन मोर पढ़ी पलेबे को शिफ्ट मीन आसो शिफ्ट मीडियन आसे दया पढ़ी पढ़ते प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन आंसर दे पारे परमुटेशन कम्बिनेशन वार्ड को रिअरेंज करके बनार अच्छे तार भी क्वेश्चन बनुच्छे भी दया देखी पड़े स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आउ गए क्लॉक रु भी गोटे क्वेश्चन आसी मो कथा समस्त बुझे कौन कहे पैटर्न दया पैटर्न आप नेक्स्ट जहाँ भी आप क्रिएट कर पैटर्न को लेकिन क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन दुटा बनब कौटे तीन टा बन कौटे गोटे बनब से कथ कह सब जगह सिफ्ट भैरी कर एक्जाक्ट क्वेश्चन पढ़िया दरकार नहीं आप जानी यार से क्वेश्चन आप जो लेवल आसते आप इजिलियर अटेंड करेंगे गोटे दुटा क्वेश्चन ट्रिकी रही बाकी सबुतक आप इजिलियर अटेंड करेंगे नेक्स्ट जी बुझाई जी रिजनिंग कथ रिजनिंग आप अलरेडी पढ़ी देते बोली आपको डिफिकल्ट फेस है बिकज ओडब्ल्यूएस सीजीएल एक्जाम मैक्सिमम पिला देते हैं डिफिकल्ट फेस करने पड़ना बिकज इनइक्वालिटी सिलेबस एठी आप आसीगला और डेफिनेटली आप स्कोर कर पड़ेगा इजी सेक्शन अच्छी तपर ब्लड लेसन पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आसी आप इजिली सॉर्ट आउट करेंगे इनइक्वालिटी मन रखिए ये दुटा क्वेश्चन और सिलोलिंग दुटा सिलोजिम भी आप दुटा क्वेश्चन बनुच्छे आप इजिली अटेंड करेंगे ब्लड रिलेशन भी दुटा क्वेश्चन आसते नॉर्मली पॉइंटिंग फिगर को मैंने पॉइंट को पॉइंट जो पॉइंटिंग आप क्वेश्चन आसे रिलेट करके बनुच्छे डाटा सफिसीयंसी क्वेश्चन बनुच्छे सहित मन रखिए कोडिंग डिकोडिंग आप नॉर्मली अल्फाबेट नहीं कोडिंग डिकोडिंग कराई आप इजिली डील करेंगे मन रखिए स्टेटमेंट आंसर और स्टेटमेंट कन्क्लूजन नॉर्मल क्वेश्चन बनुच्छे आप डील करेंगे किसी प्रोब्लेम नहीं
वार्ड फर्मेशन बनुच्छे वार्ड फर्मेशन जाकर पढ़ी नहीं होता है काउंटिंग फिगर ओके काउंटिंग फिंगर ट्राएंगल बनुच्छे ओके आप क्यूब्र भी बनुच्छे भी स्क्वायर भी बनुच्छे देखकर देखिए पड़े का सीफ्ट कौन आस ग्यारंटी कहीहबन बट आप ट्राएंगल बनुच्छे सहित स्क्वायर बनुच्छे आ क्यूब भी बनी पारे ओके ऑड ऑन आउट बनुच्छे एनालॉग रे भल भल क्वेश्चन सर बनुच्छे ओके नंबर सीरीज भी क्वेश्चन बनुच्छे तो रीजनिंग नॉर्मल पेपर एयर होती है बाकी पचीसा क्वेश्चन में कोड़े प्लस आप इजिली अटेम्प्ट करेंगे किसी बड़ कथ ना नॉर्मल आप रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करते तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट हाई पड़े नेक्स्ट जहाँ इंपोर्टेंट था मैक्सिमम डाउट था सर कंप्यूटर के क्वेश्चन बनब क्लियर कट सिलेबस को देखिए जज कर पचीसा बन कोड़ेटा बनबे कि पंद्रह बनब बट मन रखिए पचीसा क्वेश्चन क्लियर कट बन कंप्यूटर में मन रखिए सब अधिक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्वेश्चन बनुच्छ ताकू यार जिते डीपली पढ़िया पढ़िया चेष्टा करूँ जो मैंने आग सिफ्ट मैंने नेक्स्ट सिफ्ट जो मैंने जवाब जी वार्ड एक्सेल पावर पॉइंट को भलसे पढ़ी जी सर्टकट की सबूत पढ़ी जी कंट्रोल पी होगा मैंने सबूत क्वेश्चन सर्टकट की यार आसी आ सर्टकट की इजी आसी डिफिकल्ट जमा भी आसी ओके कंप्यूटर एब्रिविएशन भी इजी आसी कंप्यूटर एब्रिविएशन दुटा कि तीन टा आसूक भी पढ़ी पढ़ात आउ मन रखिए बेसिक रू बहुत गुड़े क्वेश्चन छुट्टी ओके एमती नॉर्मल बेसिक रे आपण जमी मेमोरी क्वेश्चन उठू इनपुट आउटपुट होगा ये बेसिक रू एड हो तो बेसिक रू भी क्वेश्चन उठू बेसिक भी आप पढ़ी पढ़े ताकि बेटर मुझे कहूँ बर्तमान आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बहुत भलसे फोकस करके जी बिकज बहुत गुड़े क्वेश्चन साधुरा बच्चे एम आप छः सतटा क्वेश्चन भी पाइपारे मो कह समस्त बुझे बाकी ये भी आप ठीक ठाक क्वेश्चन पे अटेंड कर पार्टी नहीं जाए जिके ओके समस्त माइंड रहा सर जिके आप हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी तो आसपार ना बट से आपको मेनसन थी कौन करेंट अफेयर उपर बहुत क्वेश्चन आसो करेंट अफेयर क्वेश्चन देखने बहुत बहुत कम क्वेश्चन देखने से ओडिशा स्टैटिक जिके होगा कि नॉर्मल इंडिया स्टैटिक जिके इंडियन जोग्राफी किसी क्वेश्चन था तेरे पुश कराई तो डेफिनेटली आप पेपर जो भाया अलरेडी आप पढ़ी बोली आप बेनिफिट डेफिनेटली पाइले आप देखते आप क्रूड ऑयल हाईएस्ट क्रूड ऑयल उपर क्वेश्चन था ओके आप आगरा फोर्ट कौट अच्छी नॉर्मल क्वेश्चन था समस्त जानते डब्ल्यूटीओ रो फुलफॉर्म होगा सेबी रो फुलफॉर्म यह सब फास्ट नॉर्मल आसला अमृत सेन जो से रिलेटेड को फील्ड को करछन बाकी जते सब आपन कंट्री रो बॉर्डर अछि तारि पर क्वेश्चन साठुछि आसुछि फर्स्ट शिफ्ट रे भी आसला सेकंड शिफ्ट रे भी बनिछि तो रेड क्लिप जिम आपन जानिथिबे ओके तापर आपन लिखै सिल्वर सिटी ऑफ ओडिसा हेगला तो ओडिसा रो को सिटी की कोन कह जे सेतुर भी शिफ्ट दुटा शिफ्ट आपन क्वेश्चन बनि साठला ओके सेमति आपन देखि पाथि ओडिसा जिके उपर यूएन सिक्युरिटी काउंसिल केते मेंबर अछन्दि एमति किछि क्वेश्चन थिला मोटे आंसर रखनी बिकज ए क्वेश्चन त रिपीट होबनी ए रिलेटेड टॉपिक तो डेफिनेटली रिलेट माने आउथरे उठिबार चांसेस बनछि तापर कैपिटल कैपिटल ऑफ किंग ऑफ कारेबल होगा काबुल कंट्री ऑफ कैपिटल भी क्वेश्चन सर बनी चाहिए पढ़ी ने ओके आउ रहा बाकी आप देखिए 36 नेशनल गेम ओके तारीख मोस्ट आप अर्बानाइज मैंने आप सेंसस 2011 भी क्वेश्चन उठू से यार आप देखी पड़ते हैं जिके रू को स्टाटिक रू बहुत फोकस कराऊ यार स्टाटिक रू बहुत गुड क्वेश्चन आसूँ नहीं जी आउ किसी कहते हैं जो आप सेकंड शिफ्ट ये क्वेश्चन था आप देखते मिलेनियम सिटी ऑफ ओडिशा कहा कह जाए मेन्स एशिया कप किए जीतला जो क्रिकेट रहा सरी ओके बारिपदा कार फेस्टिवल होगा पीवीसी फुलफर्म होगा कौन ये फुलफर्म यार क्वेश्चन आसू यार सब शिफ्ट फुलफर्म क्वेश्चन आसपुर आप कंट्री कैपिटल मुझे कहती लिबिया कौ कंटिनेंट आसूर भी क्वेश्चन था नॉर्मल आफ्रिकार ये सब तो इजी क्वेश्चन आप जानते हैं इक्वालिटी आप बिफोर लॉ ये सब आप पॉलिटी भी क्वेश्चन उठी जाता तो आप ओवरऑल कहे स्टैटिक को टिके स्टैटिक को टिके आउ स्पोर्ट्स को टिके बेसी फोकस करके पढ़े स्टैटिक तो जानपे कौ कौ टॉपिक से उठाऊन से टॉपिक को डेफिनेटली पढ़े जातु एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट आप डेफिनेटली आस हाँ मुझ मानुचे आप जी भावुँ एक्सपेक्ट टू टी अधिक आप अटेम्प्ट जाऊँ बिकज क्वेश्चन इजी अच्छी यार एत भी हार्ड आसनी आम कहीपर इजी टू मॉडरेट सेम लेवल से पेपर रोचे पिलांर अटेम्प्ट भी भल जाऊँ सब पिला पचारे अटेम्प्ट जाऊँ बट पेपर में पिलांर अटेम्प्ट ठीक ठाक जाऊँ नहीं जो मैंने आगे आप सीजीएल एक्जाम दिए तो माइंड में गोटे डाउट जो सर आप पेपर में कौन बनब आप सिलेबस पुणी सीजीएल सेम रिपीट कराऊँ ये सिलेबस से नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल 150 तो देखिए यार आम डिसीजन ना कम पढ़ापी पड़ा कम पढ़ापी न पड़ो आप दायक सबुत चेक कर दिखाँ जो मैंने आगे पेपर अच्छी तो ये आपको किसी आसी कैलेंडर क्लॉक टिके देखी देखिए पड़ते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट आपको बनी जब आप देख पाते रीजनिंग भी आपको कही देती कौन कौन बनबा नॉर्मली ये भाया बनुच्छे आप अटेम्प्ट करेंगे जी कंप्यूटर भी कही देती कंप्यूटर बेसिक रू बेसिक क्वेश्चन टी उठू बाकी आप एब्रिविएशन शॉर्टकट की पूरा पढ़ी जातु एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को भलसे फोकस करके जातु पेपर आप स्कोर करेंगे तो ये मुझे एंड करूँ जदि कहार डाउट कन्फ्यूजन होगा मतलब कमेंट करेंगे डेफिनेटली कमेंट आंसर देवे मुझे चेस्टा करी।